BJP down down. Narendra Modi down down. Down. Narendra Modi down down. Down. Narendra Modi down down. Down. Mumbai police down down. Down. Gujarat police down down. Down. Narendra Modi down down. Down. मैडम आप देखिए हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और मोबाइल नंबर नहीं, जहाँ पे मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया माता के तहत और गुजरात एंटी टेररिस्ट फोर्स के तहत, आप मुझे बताइए उन्होंने कौन सी है की स्पीच दी। अगर अल्लाह अकबर और दबै बोलने के आप हम किसी मैडम गेट के सामने आना हमारे सामने मैडम मार लगते मैडम मार लगते प्लीज मैडम बैठिए। अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख सकते हैं मैं आज बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठी थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ, गुजरात पुलिस के खिलाफ, क्योंकि जहां पे हमारे इस्लामिक प्रीचर मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया जूनागढ़ पुलिस के तहत, उनको डिटेन किया गया पासा एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज एक्ट, और साथ में उनके जो गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था, कहा गया कि उन्होंने हेट स्पीच दी थी। आप बताइए कि अल्लाहु अकबर बोलने से, लब्बैक बोलने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने पे अगर केस बुक किया जाता है तो जय श्री राम बोलने पे भी केस बुक किया जाना चाहिए। गाय के नाम पे जो काटते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम बोलो, जो जबरदस्ती कहलवाते हैं उनके ऊपर भी केस बुक होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये सीधी सादी भाजपा की साजिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता चल गया है वो हार रहा है और उसी हार की वजह से उन्हें बौखला गया है। और जब जब नरेंद्र मोदी बौखलाता है वो हिंदू मुस्लिम करता है, मुसलमानों को कटवाता है और देशवासियों को गुमराह करता है। अगर देखा गया मुसलमान दिल का सच्चा है और हिंदुस्तान को चाहने वाला है और मुसलमान जो है बहुत ही जल्द जज्बात में आ जाता है और नरेंद्र मोदी उसी का फायदा उठा के जो है उनको आतंक का रुख देता है। खैर मैं तो निकली हूँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इंशाल्लाह जल्द ही जो है उनका खात्मा होगा, सेंटर से उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा लीडर जिसकी मैं फुट सोल्जर हूँ राहुल गांधी जी की, उनका कहना है डरो मत, मैं किसी से नहीं डरती और कोई भी मुझे डरा नहीं सकता। मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं,
मैं निकली हूँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए। और ये मेरा आंदोलन और मेरा उनके खिलाफ यूं ही आवाज उठाना बरकरार रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ इस धरती पे कोई भी चीज गलत हो। मेरी जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और मेरे बुजुर्गों का, बड़ों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। शुक्रिया। वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है सर, अब क्लास में आकर वीडियो